नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, मौत की छाया पार्ट 2। अगले दिन शाम को 4 बजे के करीब सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत इमारत की पहली मंजिल पर स्थित अपने बेडरूम में था। वह दिन के 3 बजे सोकर उठने का आदि था, इसलिए उसके लिए तो अभी दिन शुरू हुआ था। उस समय वह आलती पालती मारे पलंग पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में चाय का कप था और सामने अखबार फैला हुआ था। आओ प्यारो, सुनील को देखते ही वह बोला, जाग गए? सुनील उसके सामने एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, हाँ जाग गया, मर्जी तो नहीं थी लेकिन फिर भी जाग गया। क्या खबर है? बांग्लादेश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जा चुकी है। आचार्य विनोबा भावे ने पूरा 1 साल मौन व्रत धारण करने का प्रण किया है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरा लाल शास्त्री का देहांत हो गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी, सुनील ने चाय की केतली उठा ली। रमाकांत फौरन चुप हो गया। क्या करने लगे हो प्यारो? वह सतर्क स्वर में बोला। यह केतली, सुनील गंभीरता से बोला, तुम्हारे सिर पर पटक कर देखने लगा हूँ कि केतली ज़्यादा मजबूत है कि तुम्हारा सिर। और नकदों की चिंता मत करना, अगर केतली फूटी तो इसकी सारी कीमत मैं तुम्हें फौरन अदा कर दूंगा। और अगर मेरा सिर फूटा तो भगवान से प्रार्थना करो कि केतली ही फूटे, उसकी एवज में कुछ हासिल तो होगा, यानी कि मेरी खोपड़ी की कोई कीमत नहीं। जैसी हरकत तुमने अभी की है वैसी फिर करोगे तो यह कहना ही पड़ेगा। क्या खराब हरकत की है मैंने? तुमने खबर पूछी, मैंने खबर सुना दी और फिर? सुनील ने केतली सिर से ऊपर उठाई। ओके ओके, रमाकांत जल्दी से बोला। सुनील ने केतली रख दी। पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात करो, वह बोला। नेगेटिव, रमाकांत बोला। रिपोर्ट की प्रतिलिपि हासिल होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। जौहरी और दिनकर दोनों को मैंने उसी काम पर लगाया हुआ है। वे रिपोर्ट की प्रतिलिपि या मौखिक रूप से उसके बारे में जानकारी हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात वही है जो मैं 1 दर्जन बार दोहरा चुका हूँ, कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं। सुनील चुप रहा। पोस्टमार्टम हो चुका था और लाश का दाह संस्कार भी किया जा चुका था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बारे में केवल यही स्टेटमेंट रिलीज की थी कि रंजीता गुप्ता की मौत डूबने के कारण हुई थी। जौहरी उस डॉक्टर से मिला था लेकिन उसने उस संदर्भ में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया था। कुछ खबर लगी कि रंजीता गुप्ता को हेरोइन की लत किसने लगाई थी? पक्का तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर उसकी यह लत पिछले 6 महीनों में लगी थी तो इसमें कपिल कुमार का ज़रूर कोई हाथ होगा, क्योंकि पिछले 6 महीनों में तफरी में गुजरा अपना अधिकतम समय रंजीता ने कपिल कुमार के साथ ही गुजारा था। मैं कपिल कुमार से मिला हूँ, वह तो ऐसा आदमी नहीं मालूम होता जो मादक द्रव्यों का सेवन करता हो। तो फिर यह लत कहीं और से लगी होगी उसे। मुझे नैना नाम की लड़की की खबर लगी है। वह नगर के एक प्रसिद्ध उद्योगपति की लड़की है और मादक द्रव्यों का सेवन करती है। वह यूथ क्लब में आती रहती है, तुम जानते होंगे उसे। वही तो नहीं जो पिछले साल नए साल की रात के उत्सव में इतनी शराब पी गई थी कि नशे में नाचती अदनंगी हो गई थी? बिल्कुल वही, वही बोल लड़की है, तुम पर मरती है। छोड़ो, मतलब की बात करो। यह मैंने मतलब की ही बात की है, यह बात मैंने तुम्हारी तारीफ करने की खातिर नहीं कही। मतलब की बात कैसे हुई है? मुझे मालूम हुआ है कि अब वह मादक द्रव्यों का सेवन करने लगी है। रात को तुम्हारे के थोड़ी देर बाद वह क्लब में आई थी। मैंने उसके साथ हशीश के दम लगाए थे और फिर तरंग के दौर में बहुत घुट घुट कर बातें की थी। तभी मुझे कई बातें मालूम हुई थी, जैसे जैसे वह भी निश्चय ही हेरोइन का इंजेक्शन लेती है। मैंने खुद उसकी बाहों पर और जांघों पर इंजेक्शन से पंचर के निशान देखे हैं। अच्छा, जांघों पर कैसे देखे? मजाक मत करो, फिर कहोगे मतलब की बात नहीं करता। कहो तो असली बात बंद करके पहले 3 घंटों में यही दास्तान बयान कर दूं कि मैं उसकी जांघों तक कैसे पहुंचा। अरे नहीं, ऐसा मत करना प्लीज़। तो फिर जो मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। ओके, मैंने बड़ी सावधानी से उसके सामने रंजीता गुप्ता का जिक्र छेड़ा था। वह तरंग में थी लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से मैं उसे इस बात के जिक्र में उलझाने में सफल हो सका था। हेरोइन का जिक्र आते ही वह यूं सतर्क हो जाती थी जैसे एक बारगी उसका सारा नशा हिरन हो गया हो। सुनील, उसे मालूम था कि
कि रंजीता गुप्ता भी इस नामुराद नशे की आदि थी, क्योंकि हीरोइन का इंजेक्शन लेने के लिए दोनों एक ही स्थान पर जाया करती थी। कहाँ? क्रिस्टल क्लब। क्रिस्टल क्लब में कहाँ, किसके पास? यह उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन इतनी बात पक्की है कि इस काम के लिए रंजीता गुप्ता भी क्रिस्टल क्लब ही जाती थी और नैना भी क्रिस्टल क्लब ही जाती थी। रंजीता गुप्ता से उसकी अच्छी वाकिफियत थी? हाँ, कहीं उसी ने तो रंजीता गुप्ता को इस नशे की लत नहीं लगाई थी? नहीं, उसने नहीं लगाई थी। उसके कथनानुसार रंजीता उससे पहले ही क्रिस्टल क्लब जाया करती थी। वहाँ एक बार आमना सामना हो जाने के बाद ही उसे पता लगा था कि दोनों एक ही रास्ते की राही थी। यह क्रिस्टल क्लब क्या भला है? मनोरंजन के लिए मशहूर जगह है। शाम 6 बजे से रात के 2 बजे तक खुलती है। मैंने इसके संदर्भ में अपने पुलिस हेडक्वार्टर वाले सोर्स से भी बात की थी। उसने मुझे बताया था कि पुलिस को भी संदेह था कि क्रिस्टल क्लब में मादक द्रव्यों का धंधा भी होता था, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया जा सका था। वैसे उस आदमी का कहना था कि क्रिस्टल क्लब के खिलाफ कोई पुलिस कार्यवाही होने की संभावना नहीं के बराबर थी। सुनने में आया है कि नगर के किसी बड़े प्रभावशाली रईस व्यक्ति का क्लब पर सरपरस्ती का हाथ है। यह भी सुनने में आया है कि वह रईस व्यक्ति बहुत ऊपर तक पहुंच रखता है। पुलिस के अधिकारियों को उसने रिश्वत की जंजीर में इस पूरी तरह जकड़ा हुआ है कि क्रिस्टल क्लब पर कोई पुलिस एक्शन होने की संभावना नहीं के बराबर है। आई सी। दिलचस्प बात यह है कि क्रिस्टल क्लब को जुए का अड्डा समझा जाता है, लेकिन जुआ वहाँ बिल्कुल नहीं होता। शायद वहाँ गैर कानूनी काम यही होता है कि वह उस गैंग का हेडक्वार्टर है जो हमारे युवा वर्ग में मादक द्रव्यों का प्रचार प्रसार कर रहा है। क्लब का मालिक कौन है? मालूम नहीं, लेकिन उसका संचालक एक एल्बर्ट नाम का बुलडॉग जैसे चेहरे वाला एंग्लो इंडियन है। मैं वहाँ का चक्कर लगाऊंगा। हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, विस्की पीकर और कैबरे देखकर लौट आओगे। इसलिए मैंने नैना का जिक्र किया था। वह वहाँ हेरोइन के नशे की फिराक में जाती है और तुम पर मरती है। अगर तुम उसे शीशे में उतार सको और उसको यह विश्वास दिला सको कि तुम भी ड्रग एडिक्ट हो, तो शायद वह तुम्हें क्रिस्टल क्लब के नशेबाजों के उस सर्कल में पहुंचा दे जहां अकेले आदमी की, अनजाने आदमी की पहुंच हो ही नहीं सकती। तुम ठीक कह रहे हो, नैना से मिलवाओ मुझे। वह रात को यहां आएगी। तुमने कब से नहीं देखा उसे? 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे। तो फिर यह समझ लो कि इतने अरसे में उसकी मुकम्मल कायापलट हो गई है। तुमने हरे कृष्णा हरे रामा देखी थी? देखी थी। उसमें जो हुलिया जीनत अमान का था, वह आजकल हमारी नैना का है। इसलिए अगर उसके अंतरंग संसर्ग में जाना चाहते हो तो उसी जैसा हुलिया बना कराओ। यह सूट बूट नहीं चलेगा। मैं समझ गया, मैं जाता हूँ, रात को मुनासिब लिबास में लौटूंगा। समझदार आदमी हो। अगर वह मुझसे पहले आ जाए तो उसे अपने में उलझाए रखना, कहीं ऐसा ना हो कोई और साहब उसके साथ चिपक जाए। तुम फिक्र मत करो। सुनील उठ खड़ा हुआ। कुछ ही घंटों में अपने चेहरे से सलीके और शालीनता की गहरी छाप हटा पाना तो आसान नहीं था, लेकिन सुनील जब दूसरी बार यूथ क्लब में पहुंचा तो उस समय वह एक कम से कम 3 इंच ऊंची एड़ी का जूता, 28 इंच पहुंचे की घिसी हुई बेल बॉटम जीन, एक हाईनेक का पुलोवर और जीन जैसी ही घिसी हुई जैकेट पहने था। उस समय ठीक 9 बजे थे। रमाकांत और नैना उसे बार में दिखाई दिए। दोनों के हाथ में सिगरेट और विस्की के गिलास थे। नैना खुले खुले हाथ पांव वाली खूबसूरत लड़की थी। उसके कटे हुए लंबे फुट्टे से खिंची हुई लकीरों जैसे सीधे घने काले बाल उसके कंधों से नीचे तक लहरा रहे थे। वह अपने खूबसूरत होठों पर बैंगनी रंग की लिपस्टिक लगाए हुए थी। इस रंग से और विशेष रूप से इस रंग की लिपस्टिक से सुनील को सख्त नफरत थी। वह एक सफ़ेद ब्लाउज नुमा कमीज और काले रंग का बहुत खुला बेल बॉटम पहने थी। कमीज और बेल बॉटम की पेटी के बीच में पेट का कम से कम 6 इंच भाग एकदम नंगा था। वह एक लाल रंग का चमड़े का कोट पहने थी जिसके आगे के तमाम बटन खुले थे। रमाकांत ने उसे देखते ही उसे यूं उत्साहपूर्ण ढंग से आवाज़ दी जैसे वह एकदम अनपेक्षित वहाँ पहुँच गया हो। सुनील लंबे डग भरता हुआ उनके समीप पहुँचा। हेलो, रमाकांत बोला। हाय, नैना मादक स्वर में बोली। हाय, सुनील अपना ध्यान उसी पर केंद्रित करता हुआ बोला। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। शी लुक्स ब्यूटीफुल एवरी डे, रमाकांत बोला। एवरी मिनट ऑफ द डे। थैंक्स, नैना बोली।
थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, क्या पियोगे मालको? रमाकांत ने पूछा। जो तुम लोग पी रहे हो, स्कॉच। सेम फॉर मी। बार टेंडर ने तुरंत स्कॉच का गिलास उसके सामने रख दिया। चीयर्स, सुनील बोला। चीयर्स, रमाकांत और नैना लगभग एक साथ बोले। प्यारो, रमाकांत बड़े अर्थपूर्ण ढंग से बोला। अभी नैना कह रही थी कि जितना मज़ा इसे फास्ट ड्राइविंग में आता है उतना और किसी काम में नहीं आता। अच्छा, सुनील नैना से बोला। हाँ, नैना बोली। तेज रफ्तार हो, खुली गाड़ी हो, ठंडी हवा के थपेड़े चेहरे पर पड़ रहे हो तो लुत्फ आ जाता है जिंदगी का। बिल्कुल यही पसंद सुनील की है, रमाकांत बोला। इसलिए तो इसने मोटरसाइकिल रखी हुई है, कार नहीं लेता। तुम्हारे पास तो बड़ी जंगी मोटरसाइकिल है, नैना बोली। मैंने देखी है। तो फिर हो जाए सर, सुनील बोला। वेल, नैना अनिश्चित स्वर में बोली। ओ कम ऑन, रमाकांत बोला। जब जिक्र आ ही गया है तो कुछ हो जाए। और फिर तुम ही तो उस रोज कह रही थी कि सुनील तो हर वक्त बिजी बिजी रहता है, कभी तफरी के लिए वक्त ही नहीं निकालता। आज हो जाए तफरी। कम ऑन, सुनील बोला। व्हाट डू यू से? ओके, नैना निर्णायक स्वर में बोली। कहाँ चलोगे? जहाँ तुम जाना चाहो। झेरी, लेकिन अगर ऐसी रफ्तार से जाया जाए कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएं और या फिर एक्सीडेंट हो ही जाए। कबूल। तुम कितनी देर में झेरी पहुँचना चाहती हो? 50 मिनट से कम में झेरी पहुँचना मुझे संभव नहीं लगता। मेरी जानकारों में कैप्टन देवराज सबसे तेज ड्राइवर है। उसने एक बार अपनी जीप पर 50 मिनट में मुझे झेरी पहुँचा दिया था। अगर मैं तुम्हें वहाँ 45 मिनट में पहुँचा दूँ तो मैं इसे एक करिश्मा समझूंगी। तो फिर आज करिश्मा ही होगा। यानी कि रमाकांत को कहते चले कि अगर हम 2 घंटे में वापस न लौटें तो यह झेरी के रास्ते में हमारी लाशें तलाश करवानी आरंभ कर दे। नॉनसेंस, सुनील मुंह बिगाड़ कर बोला। कम ऑन, बॉटम्स अप। तीनों ने अपने अपने गिलास खाली कर दिए। चलें, सुनील बोला। एक राउंड और हो जाए, रमाकांत बोला। नहीं, सुनील बोला। झेरी पार है, बाकी वहाँ। क्यों नैना? राइट, नैना बोली। सुनील ने अपनी बाह उसकी ओर बढ़ा दी। नैना ने उसकी बाह में बाह पिरोई। दोनों बाहर की ओर बढ़े। सुनील उसके साथ क्लब की इमारत से बाहर आ गया। दोनों उस ओर बढ़े जिधर सुनील की मोटरसाइकिल खड़ी थी। सुनील मोटरसाइकिल स्टार्ट करने ही वाला था कि वेटर भागता हुआ वहां पहुंचा। साहब, वह हाँफता हुआ बोला, आपका टेलीफोन। मैं अभी आया, सुनील नैना से बोला। उसने मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी कर दी और वेटर के साथ क्लब के भीतर गया। वेटर ने रिसेप्शन के बगल में रमाकांत के ऑफिस की ओर संकेत कर दिया। सुनील ऑफिस में घुसा। भीतर रमाकांत मौजूद था। फोन नहीं है, वह जल्दी से बोला। तुम्हें यह देने के लिए बुलाया था। उसने एक खुला हुआ सिगरेट के सुनील की ओर बढ़ा दिया। बाईं ओर के सिगरेट में हशीश भरी हुई है, रमाकांत बोला। दाईं ओर के सिगरेट सादे हैं, रख लो, शायद काम आए। सुनील ने सिगरेट केस को बंद करके जेब के हवाले किया और बोला, थैंक यू। तुम वाकई 45 मिनट में झेरी पहुंच जाओगे? अब तो मान सम्मान का प्रश्न है, जरूर पहुंचूंगा। ओके, विश यू गुड लक। थैंक यू। सुनील बाहर आ गया। सॉरी हनी, वह नैना से बोला। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। नेवर माइंड, नैना बोली। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। नैना मोटरसाइकिल पर सुनील की तरह दाएं बाएं पांव लटका कर बैठी थी। सुनील ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। तैयार, वह बोला। तैयार, नैना बोली। वक्त देख लो, 9:20 हुए हैं। हेयर वी गो। सुनील ने तुरंत मोटरसाइकिल को गियर में डाला और यूथ क्लब के कंपाउंड से बाहर ले आया। बस केवल वही कुछ 100 गज का फासला था जो उसने बड़े मर्यादित ढंग से तय किया। उसके पास शक्तिशाली इंजन वाली मोटरसाइकिल सड़क पर यूं भागी जैसे कोई रॉकेट छूटा हो। नैना ने अपनी बाहें सुनील की बगलों से गुजार कर उसकी छाती पर जकड़ ली। उसका शरीर सुनील के शरीर से एकदम चिपक गया। लेकिन सुनील को उस वक्त दीन दुनिया की खबर नहीं थी। उस वक्त उस पर एक ही धुन सवार थी कि उसे हर हालत में 45 मिनट में झेरी पहुंचना था। नगर की विभिन्न सड़कों से गुजरते समय उसने एक्सीडेंट की परवाह नहीं की, ट्रैफिक सिग्नल की परवाह नहीं की, अन्य ड्राइवरों की गाड़ियों की परवाह नहीं की, ट्रैफिक के सिपाही की सीटी की परवाह नहीं की। उस समय अपनी मंजिल के अलावा उसके लिए संसार की किसी चीज का अस्तित्व नहीं था। उस समय उसे अपनी पीछे बैठी भरपूर जवान लड़की के गदराए हुए शरीर की तपिश तक महसूस नहीं हो रही थी। उस समय उसका सारा ध्यान एक ही बात पर केंद्रित था, रफ्तार रफ्तार रफ्तार।
राजनगर की भीड़ भाड़ से बाहर आते ही जो थोड़ा सा नियंत्रण सुनील ने एक्सीलेटर पर रखा हुआ था वह भी समाप्त हो गया। अब मोटरसाइकिल भाग नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी। ठंडी हवा उन दोनों के चेहरों पर नश्तर की तरह चुभ रही थी। दाएं बाएं निगाहें डालने पर पेड़ दिखाई नहीं देते थे बल्कि उनके स्थान पर एक पीछे भागती हुई काली दीवार दिखाई देती थी। और तारीफ की बात यह थी कि नैना न केवल भयभीत नहीं थी, वह खुशी से किलकारियां मार रही थी। वह सुनील से यूं चिपकी हुई थी जैसे वह उसी के शरीर का एक अंग हो। सुनील ने पहली बार मोटरसाइकिल को तब गियर से निकाला जब वह झेरी की झील के किनारे जाकर खड़ी हुई। नैना मोटरसाइकिल से उतरी, सुनील भी उतरा। उसने मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया। तब मुश्किल से 10 बजे थे। नैना ने भी उतरते ही घड़ी देखी। हाउ इज दैट मैडम, सुनील ने पूछा। ओ सुनील, नैना प्रसन्न स्वर में बोली, यू आर वंडरफुल, यू आर अ मिरेकल वर्कर। और वह उससे लिपट गई। उसने ताबड़तोड़ कई चुंबन सुनील के सारे चेहरे पर जड़ दिए। तब सुनील को पहली बार अनुभव हुआ कि वह एक जवान लड़की के सहवास में था। उसने मजबूती से अपनी बाहें उसके गिर्द लपेट दी। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। तब सुनील ने देखा कि उनके समीप एक आदमी खड़ा था जो विचित्र निगाहों से उन्हें देख रहा था। सुनील ने आंखें निकालकर उसकी ओर देखा और किसी बेहद झगड़ालू बिल्ली की तरह यूं गुर्राया कि उस आदमी को वहां से भागते ही बनी। नैना खिलखिलाकर हंसी। झील के किनारे किनारे ITDC के बनाए हुए टूरिस्ट कॉटेज थे और उन्हीं में से एक कॉटेज नुमा इमारत में रेस्टोरेंट और बार था। रेस्टोरेंट की एक दीवार के साथ छोटे छोटे कैबिन बने हुए थे। सुनील और नैना उन कैबिनों में से एक में जा बैठे। रेस्टोरेंट में खास भीड़ नहीं थी। सुनील ने 2 पैक जॉनी वॉकर और मछली के कबाब का ऑर्डर दिया। सुनील और नैना मेज पर आमने सामने बैठने के स्थान पर अगल बगल बैठे थे। वेटर के जाते ही सुनील ने अपनी बाहें नैना के गिर्द लपेट दी। नैना लता की तरह उससे लिपट गई। मनी मन उसके होठों की बैंगनी रंगत पर कुड़ते हुए सुनील ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। उसकी तंद्रा तभी टूटी जब वेटर उनका ऑर्डर लेकर वहां पहुंचा और धीमे से खांसा। दोनों अलग हुए। नैना का चेहरा एकदम लाल हो गया था और आंखों में गुलाबी डोरे तैर रहे थे। सुनील, वह भर्राई आवाज में बोली, आई नेवर न्यू दैट यू केयर्ड, आई ऑलवेज लाइक यू हनी। सुनील साफ साफ झूठ बोलता हुआ बोला, लेकिन क्या करूं, कामकाजी आदमी हूं, तफरी के लिए वक्त नहीं निकाल पाता। तुम्हारी तरह रईस होता तो। अब मेरा मूड खराब मत करो। ओके ओके, दोनों ने जाम टकराए। फिर सुनील ने रमाकांत का दिया सिगरेट केस निकाला। उसने सिगरेट केस की बाई ओर की कतार से एक सिगरेट निकालकर नैना की ओर बढ़ाया और बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोला, ग्रास। नैना के नेत्र चमक उठे। रियली, वह तनिक अविश्वासपूर्ण स्वर में बोली। सुनील केवल मुस्कुराया। ओ सुनील, यू आर ग्रेट। नैना ने एक चटकारेदार चुंबन सुनील के गाल पर जड़ दिया। यू आर अ रियली स्विंगर। उसने सिगरेट ले लिया। सुनील ने अपने लिए एक सादा सिगरेट निकाला। दोनों ने सिगरेट सुलगाए। आधे घंटे बाद जब वे वहां से बाहर निकले उस समय नैना भरपूर तरंग में थी। दोनों झील के किनारे पहुंचे। अब सुनील बोला, ओ लवर बॉय। नैना बड़े अश्लील स्वर में बोली, आओ कहीं चलें। कहाँ? जहाँ हम बिना किसी के दखल के सारी रात एक दूसरे की बाहों में गुजार सकें। वेरी गुड, मैं भी यही चाहता हूँ। है कोई ऐसी जगह निगाह में? अपने फ्लैट पर चलो, सुना है तुम अकेले रहते हो। रहता हूँ, सुनील जल्दी से बोला, लेकिन आज फ्लैट खाली नहीं है। आज रात के लिए मेरे एक दोस्त ने फ्लैट की चाबी मांग ली है। क्यों? सुनील एक अश्लील हंसी हंसा। उसने हाथ बढ़ाकर नैना के गाल पर चुटकी काट ली। ओह, नैना बोली, मैं समझ गई, यूथ क्लब चलें? नहीं, वहाँ मनपसंद तन्हाई तो हासिल होगी नहीं, उल्टे बेहद पब्लिसिटी हो जाएगी। तो फिर मेरी कोठी पर चलो, लेकिन तुम्हें खिड़की के रास्ते मेरे कमरे में घुसना पड़ेगा पाइप पर चढ़कर। ओह नो, डरते हो पाइप पर चढ़ने से? हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारी खातिर तो मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाऊँ। तो फिर मैं तुम्हारी बदनामी से डरता हूँ। ओह नेवर माइंड, किसी को मालूम नहीं होगा। शायद नहीं होगा, लेकिन मन पर भय का बोझ तो रहेगा। ऐसे माहौल में सारा मजा मारा जाता है। तुम ठीक कह रहे हो, नैना सोचती हुई बोली। कुछ क्षण चुप्पी रही। सुनो, सुनील सावधान स्वर में बोला। नैना ने सिर उठाया। तुम रंजीता को जानती थी ना? रंजीता गुप्ता।
मुकुट बिहारी गुप्ता एमपी की लड़की। हाँ जानती थी, नैना तनिक संदिग्ध स्वर में बोली। क्यों? वह मुझे एक बार क्रिस्टल क्लब लेकर गई थी, बड़ी रंगीन जगह थी वह, लेकिन उसने बताया था कि वह असली आनंद वही उठा सकता था जो कि क्लब का सदस्य हो या क्लब के किसी सदस्य के मेहमान के रूप में वहां जाए। नैना बहुत लाजवाब जगह है वह, वहां जैसा आनंद मुझे कभी कहीं हासिल नहीं हुआ। रंजीता मर गई बेचारी, वह वहां की सदस्य थी, वह जिंदा होती तो हम दोनों को वह आज अपने मेहमान के तौर पर क्रिस्टल क्लब ले जाती। आनंद रंजीता की वजह से हासिल हुआ था या क्रिस्टल क्लब की वजह से? नैना बोली, उसके स्वर में से स्पर्धा और द्वेष की भावना छुपाए नहीं छुप रही थी। दोनों वजह से। रंजीता से आनंद हासिल हुआ हो तुम्हें, यह बात तो समझ में आती है, बड़ी फॉरवर्ड लड़की थी, लेकिन क्रिस्टल क्लब की वजह से ऐसा क्या खास आनंद हासिल हो गया? उससे बेहतर कैबरे राजनगर में दर्जनों जगह होता है। सुनील हिचकिचाने का अभिनय करने लगा। यस, नैना बोली। सुनील कुछ क्षण चुप रहा और फिर नैना के कान के पास मुंह ले जाकर यूं बोला, जैसे उसे भय हो कि झील के उस सुनसान किनारे पर कोई उसकी बात सुन न ले। ट्रिप। सुनील को मालूम था कि हेरोइन और एलएसडी के नशे के आदि लोग इस भयंकर नशे की अनुभूति का जिक्र इसी शब्द द्वारा करते थे। नैना के नेत्र एकदम चमक उठे। अच्छा, वह खुशी से बोली, और नहीं तो क्या? क्या, हेरोइन या एलएसडी? एलएसडी, सुनील बोला। इतना सुनील भी जानता था कि हेरोइन का इंजेक्शन लिया जाता था, जबकि एलएसडी नामक मादक पदार्थ की गोलियां और कैप्सूल होते थे, इसलिए एलएसडी का नाम लेना सुरक्षित था। सुनील के शरीर पर इंजेक्शन की सुई के पंचर के निशान न पाकर नैना संदिग्ध हो सकती थी, विशेष रूप से तब जबकि वह नैना के सामने स्वयं को हर प्रकार के आधुनिक नशे का शौकीन जाहिर कर रहा था। तुम क्रिस्टल क्लब जाना चाहते हो? हाँ, रंजीता और मैंने वहाँ जो मजे किए थे उसे तो याद कर करके मेरे होश उड़ने लगते हैं। तुम किसी को जानती हो जो क्रिस्टल क्लब का सदस्य हो और आज रात हमें वहाँ ले जा सके? मैं खुद क्रिस्टल क्लब की सदस्य हूँ, वह बोली। सच? सुनील हर्षित स्वर में बोला। हाँ, ओ डार्लिंग, सुनील ने उसे अपनी बाहों में तबेच लिया। नैना के पांव जमीन से उखड़ गए। सुनील ने उसे हवा में 3-4 चक्कर दे डाले। छोड़ो छोड़ो, छटपटाती हुई वह बोली। सुनील ने उसके पांव यूं जमीन पर टिकाए जैसे वह मामूली सी ठोकर से टूट जाने वाली कोई नाजुक सी चीज हो। नैना ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े और बाल व्यवस्थित किए। दोनों फिर मोटरसाइकिल पर सवार हुए और राजनगर की ओर रवाना हो गए। आधी रात के करीब सुनील और नैना क्रिस्टल क्लब पहुंचे। भीतर डबल कैबरे चल रहा था, अर्थात अनावृतता की चरम सीमा की ओर बढ़ती हुई दो सुंदर नर्तकियां हॉल में मौजूद मेहमानों के बीच थिरक रही थी। नैना निश्चय ही वहां जानी पहचानी सूरत थी। उसे देखते ही काला सूट पहने एक आदमी उसकी ओर बढ़ा। उसने तुरंत उनके लिए हॉल में एक मेज का इंतजाम कर दिया। सुनील बैठ गया, लेकिन नैना बैठने के स्थान पर काले सूट वाले की बाँह पकड़कर उसे एक और ले गई। कुछ क्षण खुसर पुसर होती रही। बीच में काले सूट वाले ने एक आध बार उड़ती सी निगाह सुनील पर डाली। अंत में वह सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाता हुआ वहां से चला गया। नैना सुनील के समीप आ बैठी। एक वेटर उन्हें ड्रिंक सर्व कर गया। सुनील ने दो सादे सिगरेट निकाल कर सुलगाए और एक नैना को सौंप दिया। कैबरे में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। कोई 10 मिनट बाद अपेक्षित क्लाइमैक्स पर कैबरे समाप्त हुआ। काले सूट वाला वापस लौटा। उसने नैना को संकेत में कुछ कहा। नैना उठी, सुनील भी उठा। उसने सुनील की बाह यूं थाम ली जैसे वह कोई मेले में आया बच्चा हो और उसके गुम हो जाने का खतरा हो। दोनों काले सूट वाले के पीछे पीछे हॉल के पृष्ठ भाग में बने दरवाजे में से गुजरकर एक अर्ध प्रकाशित गलियारे में आ गए। वहां एक लिफ्ट थी जिसके सामने सफेद यूनिफॉर्म में एक आदमी खड़ा था। काले सूट वाले के संकेत पर उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला। सुनील और नैना भीतर दाखिल हुए। काले सूट वाले ने भीतर कदम नहीं रखा। यू नो योर वे, वह नैना से बोला। यस, नैना जगमगाती हुई मुस्कुराहट उसकी ओर फेंकती हुई बोली, थैंक्स। सफ़ेद वर्दी वाले ने भीतर आकर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद किया। उसने पैनल में लगा एक बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर को उठने लगी। थोड़ी देर बाद लिफ्ट रुकी। सुनील ने बाहर से क्रिस्टल क्लब वाली इमारत देखी थी। इमारत 5 मंजिला थी, लेकिन लिफ्ट में किसी प्रकार का इंडिकेटर नहीं लगा हुआ था और उसके दरवाजे में छोटा सा झरोखा तक नहीं था।
ना ही सुनील को लिफ्ट की रफ्तार से कोई अंदाजा हो पाया था। इसलिए जब लिफ्ट रुकी तो सुनील कतई कोई अंदाजा नहीं लगा पाया कि वे इमारत की कौन सी मंजिल पर पहुंचे थे। वे लिफ्ट से बाहर निकले। आगे एक लंबा गलियारा था जिसमें दोनों ओर दरवाजे ही दरवाजे थे, कोई खिड़की नहीं थी। नैना उसकी बाँह थामे गलियारे में आगे बढ़ी। रंजीता के साथ तुम ब्लू रूम में गए थे ना, एकाएक नैना बोली। हाँ, सुनील हड़बड़ाकर बोला। पता नहीं ब्लू रूम क्या बला थी। नैना का नशे में होना सुनील के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा था। नैना अपने पूरे होश हवास में होती तो वह बहुत जल्दी भांप जाती कि सुनील वहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने क्रिस्टल क्लब में कभी कदम नहीं रखा था। नैना एक दरवाजे के आगे रुकी। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का देकर खोला। दोनों ने भीतर कदम रखा। नैना ने सावधानी से अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। सुनील ने देखा वह कोई 20x20 फुट का बड़े ऐश्वर्यपूर्ण ढंग से सजा चौकोर कमरा था। कमरे की दीवारें, उसके पर्दे, फर्नीचर, जमीन पर बिछा कालीन, दरवाजों का पेंट, यहाँ तक की रोशनी भी, सब कुछ नीला था। भीतर 7-8 नौजवान लड़के लड़कियाँ मौजूद थे। लगभग सभी की आंखें नशे में चमक रही थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर कुलीनता की छाप साफ दिखाई दे रही थी। एक कोने के सोफे पर एक लड़का बैठा था। उसकी गोद में एक लड़की बैठी थी। लड़की ने सुनील के आगमन पर सिर उठाकर उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और फिर लड़के की ओर देखने लगी। शर्म और झिझक का कोई काम नहीं था। शायद उसे मालूम ही नहीं था कि वह उस समय किस स्थिति में थी। एक अन्य आराम कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। पता नहीं वह किन ख्यालों में डूबी हुई थी। एक अन्य जोड़ा एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हंसता हुआ एक सोफे पर यूं बैठा हुआ था, जैसे तस्वीर खिंचवाने के लिए कैमरे के सामने बैठा हो। चेहरे की हंसी और नशे से चमचमाती आंखों के अलावा उनके शरीर में कैसे भी कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही थी। एक और एक हिप्पी नौजवान बैठा हुआ धीरे धीरे गिटार बजा रहा था। कालीन पर एक जीनधारी युवती बैठी थी। नैना के भीतर कदम रखते ही गिटार वाले हिप्पी ने गिटार बजानी बंद कर दी। उसने गिटार को बड़ी नजाकत से दीवार के साथ टिका दिया और उठ खड़ा हुआ। वह नैना के पास पहुंचा। सुनील की ओर उसने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। हे बेबी, वह उत्साहपूर्ण स्वर में बोला। हे जूलियन, नैना बोली। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं शाम से ही अकेला बैठा बोर हो रहा हूँ। कम ऑन, लेट्स हैव फन। उसने नैना को अपनी गोरिल्ले जैसी बाहों में दबोच लिया। जूलियन, नैना क्रोधित स्वर में बोली, लीव मी अलोन। लेकिन हिप्पी ने उसे नहीं छोड़ा। सुनील बड़ी कठिनाई से स्वयं को हिप्पी पर झपटने से रोक पाया। शायद वहाँ ये बातें साधारण मानी जाती थी। नैना ने पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को उसके बंधन से मुक्त किया और एक झन्नाटेदार तमाचा उसके चेहरे पर रसीद किया। तमाचे की आवाज़ यूं वहाँ के बंद वातावरण में गूंजी, जैसे बम फटा हो। एक क्षण के लिए सबकी निगाहें उस ओर उठी, लेकिन कोई हैरान नहीं था। किसी चेहरे से मुस्कुराहट नहीं पूछी थी। जिसको तमाचा पड़ा था वह भी हंस रहा था, हालांकि पीड़ा से उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। जाओ अपनी गिटार लेकर बैठो, नैना ने आदेश दिया। ओके, हिप्पी सहज स्वर में बोला, लेकिन बाद में मैं तुम्हें लेकर बैठूंगा। ओके, लेकिन जब मैं कहूँ। ओके, हिप्पी दुम हिलाते हुए पालतू कुत्ते की तरह वापस अपने गिटार के पास पहुँच गया। नैना और सुनील एक सोफे पर आ बैठे। सोफे के बगल की मेज पर एक बटन दिखाई दे रहा था, जिसे नैना ने दबा दिया। नैना, सुनील मंत्रमुग्ध स्वर में बोला, वह हिप्पी, नेवर माइंड हिम, ही इज़ अ नाइस मैन, ही इज़ अ ग्रेट लवर। जैसा व्यवहार मैंने उसके साथ किया है वह उसे पसंद करता है, कमाल है। तरंग में वह स्वयं को कुत्ता समझने लगता है और फिर हर हरकत कुत्ते जैसी करता है, इसलिए इसे दुत्कारना भी पड़ता है और मारना भी पड़ता है, कमाल है। सुनील इतना ही कह पाया। एक काला सा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। नैना उठकर उसके समीप पहुंची। उसने उसे कुछ कहा। वह सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाता हुआ वहां से बाहर निकल गया। कमरे के बंद वातावरण में बड़ी उमस थी। नैना ने कोट उतारकर एक और फेंक दिया। पहले वाला व्यक्ति वापस लौटा। उसके एक हाथ में इंजेक्शन की एक सिरिंज थी और दूसरे में एक गिलास था जिसमें कि कोई तरल पदार्थ था। उसने सिरिंज नैना को थमा दी और गिलास सुनील को। उसने जेब से एक सफ़ेद सी गोली निकाली और सुनील की हथेली पर रख दी। वह तुरंत वहां से चला गया।
नैना ने दाएं हाथ में सिरिंज थामी और बड़ी दक्षता से उसकी सुई अपनी बाएं कलाई में धंसा दी। उसने सिरिंज का पिस्टन दबाकर पिचकारी का सारा तरल पदार्थ अपनी नसों में प्रवाहित कर दिया। फिर सिरिंज उसने लापरवाही से बगल की मेज पर डाल दी। उसने मुस्कुराते हुए सुनील को देखा। सुनील ने गोली अपने मुंह में रखने का अभिनय किया, लेकिन वास्तव में गोली उसने बड़ी सफाई से अपनी हथेली में छुपा ली। उसने ऊपर से गिलास का तरल पदार्थ पिया, जो कि उससे जुबान छूते ही उसे लगा जिन थी। उसने गोली बड़ी सफाई से अपने कोट की जेब में डाल ली। गिलास खाली करके उसने मेज पर सिरिंज के बगल में रख दिया। हिप्पी युवक दोबारा वायलिन के तार छेड़ने लगा था। आराम कुर्सी पर बैठी लड़की के आंसू थम गए थे। अब वह मुदित मन से हंस रही थी। एक दूसरे के हाथ थामे बैठा जोड़ा अभी भी वैसे ही बैठा था। सुनील को आमोद प्रमोद का वह वातावरण बड़ा ही करुण और वितृष्णा पैदा करने वाला लग रहा था। मैं उड़ रही हूँ, एकाएक नैना बोली, मुझे थाम लो वरना मैं फुर से उड़ जाऊंगी। सुनील ने उसके गिर्द अपनी बाहें लपेट दी। मजा आ रहा है? उसने पूछा। बहुत, सुनील झूमने का अभिनय करता हुआ बोला। जो युवती नींद में खर्राटे भर रहे युवक की गोद में बैठी थी वह एकाएक उठी और सोफे पर बैठे युवक युवती के समीप पहुंची। उसने दोनों के हाथ एक दूसरे की गिरफ्त से छुड़ाए और युवती को परे धकेल दिया। युवती ने कोई ऐतराज नहीं किया। वह बेजान वस्तु की तरह एक और लुढ़की पड़ी रही। गर्मी लग रही है, नैना बोली। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? नैना उसकी टाई खींचती हुई बोली। नहीं, सुनील हड़बड़ाया और फिर सावधानी से बोला, अभी नहीं। हिप्पी ने गिटार फिर रख दी। उसने अपनी बगल में पड़े सोफे की पैनल में लगे पुश बटन पर उंगली रख दी। सुनील ने नोट किया, वैसे घंटे के बटन वहाँ लगभग हर सोफे के पास मौजूद थे। काला आदमी फिर कमरे में दाखिल हुआ। जूलियन नामक हिप्पी ने एक उंगली उसकी ओर उठा दी। काला आदमी सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाता वापस चला गया। उसके कमरे से बाहर निकलते ही सुनील उठा। नैना अधमुंधी आंखों से उसकी ओर देखती हुई बोली, इन अ मिनट हनी, सुनील बोला और दरवाजे की तरफ लपका। नैना ने उसे नहीं रोका। किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने दरवाजा खोलकर धीरे से बाहर झांका। काले आदमी को उसने गलियारे के सिरे पर मौजूद एक दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल होते हुए देखा। सुनील वहीं ठिठका खड़ा रहा। कुछ क्षण बाद एक गिलास हाथ में लिए काला आदमी बाहर निकला और गलियारे में सुनील की ओर बढ़ा। सुनील ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और वापस घूमा। जूलियन अपने स्थान पर नहीं था। वह घुटनों के बल कालीन पर नैना के सामने बैठा हुआ था। नैना की आंखें बंद थी और उसने अपने दोनों हाथों से जूलियन का सिर थामा हुआ था। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे आनंद के अतिरेक से वह अभी मर जाने वाली थी। सुनील का मन घृणा से भर उठा। कम ऑन लवर बॉय, नैना उसे देखकर बोली। सुनील अपने स्थान पर ठिठका खड़ा रहा, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि प्रत्यक्षता उसने भी LSD की गोली निगली थी और नशे में उससे भी वैसा व्यवहार अपेक्षित था जैसा वे लोग कर रहे थे। उन लोगों को तरंग में चाहे यह मालूम न हो पाए कि सुनील वास्तव में नशे में नहीं था, लेकिन अगर वह उनके रंग में न रंगा तो जो काला आदमी उन लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के इरादे से वहाँ बार बार आ रहा था उसे फौरन दाल में काला दिखाई दे सकता था। सुनील तुरंत आगे बढ़ा। सुनील लपक कर दरवाजे पर पहुंचा। उसने काले आदमी को बगल के कमरे में दाखिल होते देखा। शायद घंटी वहां थी, तो फिर सिरे वाले कमरे में शायद मादक द्रव्यों का स्टॉक था। सुनील ने एक निगाह अपने पीछे सुध-बुध भूरे पड़े युवक युवतियों पर डाली और फिर दबे पांव गलियारे में आ गया। वह बगल के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने की होल पर आंख लगाकर भीतर झांका। भीतर काला आदमी एक अन्य आदमी के साथ बैठा ताश खेल रहा था। उस आदमी की दरवाजे की ओर पीठ थी, इसलिए सुनील उसकी सूरत न देख सका। सुनील दबे पांव आगे बढ़ा। गलियारे के सिरे वाले दरवाजे के आगे वह ठिठका। उसने की होल में आंख लगाकर भीतर झांका। कमरा खाली था। उसने हैंडल घुमाकर धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। सुनील ने एक बार खाली गलियारे में निगाह दौड़ाई और फिर भीतर दाखिल हो गया। सुनील ने देखा वह ट्यूबलाइट द्वारा प्रकाशित छोटा सा कमरा था। कमरे में दो खिड़कियां थी जिन पर झीने पर्दे पड़े हुए थे। वह सबसे पहले खिड़कियों के पास ही पहुंचा। पर्दे हटाने के बाद उसे यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि खिड़कियों के बंद दरवाजे पर
लोहे की छड़ें लगी हुई थी और उन पर ताले पड़े हुए थे। उनमें एक छोटी सी झिर्री तक नहीं थी जिसमें से झांक कर यह जाना जा सकता था कि वह कमरा इमारत की कौन सी मंजिल पर था। कमरे में एक ऑफिस नुमा मेज पड़ी थी। सुनील ने बारी बारी उसके दराज टटोलने आरंभ किए। एक दराज में हशीश के कुछ सिगरेट, कुछ गोलियां और कैप्सूल जो जरूर LSD के थे और एक पॉलीथीन की छोटी सी थैली पड़ी थी। थैली का मुंह खुला हुआ था और उसमें एक सफ़ेद सा पाउडर दिखाई दे रहा था। वह निश्चय ही हेरोइन थी। उसी दराज में एक मोमबत्ती, एक एल्युमिनियम का बड़ा सा चम्मच, इंजेक्शन की कुछ सिरिंज पड़ी थी, अर्थात हेरोइन का इंजेक्शन तैयार करने के लिए आवश्यक सामान वहां मौजूद था। सुनील ने द्वार बंद कर दिया और कमरे में चारों ओर निगाह दौड़ाई। एक दीवार में वार्डरोब थी। सुनील ने आगे बढ़कर वार्डरोब के दरवाजे खोले। भीतर हैंगरों के सहारे कपड़े लटक रहे थे। उसने कपड़ों को एक और सरका दिया। पीछे उसे एक पैनल दिखाई दी। गौर से देखने पर उसे लगा कि वह पैनल दीवार या वार्डरोब की साइडों के साथ ठुकी हुई नहीं थी। उसने उस पर हथेली जमाकर उसे एक और धकेला। पैनल बड़ी आसानी से एक और सरक गई। पीछे एक लोहे का दरवाजा प्रकट हुआ। वह दरवाजा निश्चय ही एक मजबूत सेफ का था। उस पर एक चक्का लगा हुआ था जिसको किसी विशेष प्रकार से घुमाने से शायद सेफ खुलती थी। सुनील ने थोड़ी देर चक्के के साथ सिर खपाई की, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि उससे सेफ का दरवाजा कैसे खुलता था। वह अधिक देर वहां ठहरना नहीं चाहता था। काला आदमी ब्लू रूम में मौजूद लोगों की जरूरत पूरी करने की खातिर किसी भी क्षण वहां पहुंच सकता था और फिर सेफ खोले बिना ही वह इस बात का अनुमान लगा सकता था कि भीतर निश्चय ही मादक द्रव्यों का स्टॉक मौजूद था। उसने पैनल को वापस अपने स्थान पर सरकाया, सामने टंगे कपड़ों को व्यवस्थित किया और दरवाजा बंद कर दिया। वह दबे पांव दरवाजे के पास पहुंचा। पहले उसने की होल में आंख लगाकर बाहर झांका और फिर कान लगाकर बाहर गलियारे से आती हुई आहट सुनने की कोशिश की। बाहर एकदम सन्नाटा था। सुनील ने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाया और धीरे से चिटकनी खोली। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सिर निकालकर गलियारे में दूर तक झांका। गलियारा खाली पाकर वह बाहर निकल आया। कुछ हासिल हुआ? सुनील चिहुक कर घूमा। दूसरी ओर की चौखट से टेक लगाए एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी जिसका रुख सुनील के पेट की ओर था। सुनील ने देखा कि वह वही चमड़े के काली जैकेट वाला आदमी था जिसे उसने पिछली रात संसद सदस्य गुप्ता की कोठी पर देखा था और जिसे उसने CID का आदमी बताया था। ओह, सुनील फीकी हंसी हंसता बोला, तुम हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम जानते हो मुझे? वह सक पका कर बोला। हाँ, गुप्ता जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। कल रात मैंने तुम्हें उनकी कोठी में देखा था। क्या बताया था उन्होंने? यही कि तुम CID के आदमी हो और गुप्ता जी की बेटी की मौत के रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए नियुक्त किए गए हो। ओह, अब रिवॉल्वर हटाओ यार, मुझे डर लगता है। फिर तो यह रिवॉल्वर अपना मतलब ठीक हल कर रही है। यह इसलिए तुम्हारी ओर तानी गई है कि तुम्हें डर लगे। लेकिन आगे बढ़ो, वह कर्कश स्वर में बोला। तुम गलती कर रहे हो, मैं इस बदमाशों के अड्डे से संबंधित कोई आदमी नहीं हूँ। मैं तो काली जैकेट वाले ने रिवॉल्वर की नाल सुई की तरह सुनील के पेट में चुभोई। वह पीड़ा से पिलबिला गया। आगे बढ़ो, सुनील चुपचाप आगे बढ़ा। जैकेट वाला उसके पीछे चलता हुआ उसे लिफ्ट तक ले आया। लिफ्ट पर सवार होकर वे नीचे कहीं पहुंचे। लिफ्ट रुकने पर उन्होंने फिर गलियारे में कदम रखा। वह सुनील को एक दरवाजे के सामने ले आया। उसने बड़े आदरपूर्ण ढंग से दरवाजा खटखटाया। भीतर से इजाजत मिलने पर उसने दरवाजा खोला और सुनील को भीतर घुसने का संकेत किया। सुनील हिचकिचाता हुआ भीतर घुसा। भीतर एक विशाल मेज के पीछे एक बुलडॉग जैसे लाल चेहरे वाला एंग्लो इंडियन बैठा था। वह निश्चय ही क्रिस्टल क्लब का संचालक एल्बर्ट था। उसके समीप दो बदमाश से आदमी खड़े थे। काली जैकेट वाले ने पहले अपने पीछे दरवाजा बंद किया और फिर सुनील के समीप से होकर एल्बर्ट के पास पहुंचा। वह उसके कान में फुसफुसाता हुआ जल्दी जल्दी कुछ कहने लगा। एल्बर्ट बोला। उसने खा जाने वाली निगाहों से सुनील को घूरा और फिर कर्कश स्वर में बोला, कौन हो तुम? मेरा नाम सुनील है, सुनील तनिक लड़खड़ाती आवाज में बोला। मैं नैना का दोस्त हूँ, तफरी के लिए यहाँ आया था। वह सब मैं जानता हूँ, वास्तव में क्या चीज हो तुम? ब्लू रूम से बाहर क्यों भटकते फिर रहे थे?
कोने के कमरे में क्यों घुसे थे? मैं क्लॉक रूम तलाश कर रहा था, गलती से वहां घुस गया था। यह झूठ बोल रहा है, काली जैकेट वाला बोला। यह कम से कम 5 मिनट उस कमरे में रहा था और इसने भीतर से चिटकनी लगाई हुई थी। दिलावर सच कह रहा है? एल्बर्ट ने पूछा। सुनील चुप रहा, उसे उस संकट से उभरने की कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। एल्बर्ट ने काली जैकेट वाले को, जिसका नाम दिलावर था, संकेत किया। दिलावर आगे बढ़ा। सुनील के समीप पहुंचते ही उसने बिजली की तेजी से एक भरपूर घूंसा सुनील के जबड़े पर रसीद किया। सुनील के पांव उखड़ गए और वह फर्श पर चारों खाने चित जाकर पड़ा। वह कुछ क्षण यूं ही पड़ा रहा और फिर लड़खड़ाता हुआ उठा। बोलो, एल्बर्ट चिल्लाया, उस कोने वाले कमरे में क्यों घुसे थे? मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, LSD और हशीश का नशा करता हूँ। मैं वहाँ ये मादक द्रव्य चुराने की नीयत से घुसा था, सुनील बोला। यह फिर झूठ बोल रहा है, दिलावर बोला। मैं की होल में आंखें लगाए इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। इसने मेज का वह दराज खोला था जिसमें सब मादक पदार्थ मौजूद थे, लेकिन इसने उसमें से निकाला कुछ नहीं था। मैं बड़ा हाथ मारना चाहता था, सुनील बोला। मैंने वार्डरोब में सेफ तलाश कर ली थी लेकिन उसे खोल नहीं पाया था। लेकिन तुम्हें जो हासिल था, तुमने वह क्यों छोड़ा? एल्बर्ट बोला। तब तक मैं डर गया था, मैंने फौरन वहां से निकल जाना ही उचित समझा था। तुम झूठ बक रहे हो, सुनील चुप रहा। दिलावर, एल्बर्ट गरजा, एक दो दांत निकाल कर इसके हाथ में दे दो। दिलावर मुठ्ठियां भींचे फिर उसकी ओर बढ़ा। बॉस, एकाएक एल्बर्ट की बगल में खड़ा एक बदमाश बोला, क्यों ना इसकी तलाशी ली जाए? गुड आइडिया, एल्बर्ट बोला। दिलावर, पहले इसकी जेबें खाली करवाओ। एक ही मिनट में सुनील की जेब में मौजूद एक एक चीज एल्बर्ट की मेज पर उसके सामने पड़ी थी। उसके सामान में रमाकांत वाला सिगरेट केस, LSD की एक गोली जो उसने खाई नहीं थी, उसका ब्लास्ट का प्रेस कार्ड और कपिल कुमार का दिया वह अधिकार पत्र भी मौजूद था, जिसके अनुसार कपिल कुमार ने 20,000 रुपये की फीस के बदले में उसे रंजीता के हत्यारे का पता लगाने के लिए नियुक्त किया था। उस चौथी चीज में एल्बर्ट ने विशेष दिलचस्पी ली। ये कपिल कुमार वही साहब हैं जिनकी नेपियन हिल पर खोटी है? एल्बर्ट ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, सुनील बोला। तुम कैसे जानते हो उन्हें? मेरे बचपन के दोस्त हैं, सुनील ने यूं ही कह दिया। हम दोनों एक ही लंगोटी बांधा करते थे, इसलिए लोग हमें लंगोटिया यार कहते थे। ऊट पटांग बकवास मत करो। अब जबकि जान ही गए हो, एल्बर्ट नम्र स्वर में बोला, कि क्रिस्टल में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को मादक द्रव्य उपलब्ध हैं और तुम खुद उन चीज़ों के शौकीन हो, तो क्या तुम यहाँ अक्सर आना पसंद करोगे? फिर तुम्हें किसी का मेहमान बनकर आने की ज़रूरत नहीं होगी, हम तुम्हें स्थायी सदस्य बना लेंगे। यह मेहरबानी क्यों? मैं अखबार वालों से कभी झगड़ा मोल लेना पसंद नहीं करता। आज जो जानकारी तुम्हें यहाँ से हासिल हुई है, अगर उसे तुम अपने तक ही सीमित रहने का वायदा करो तो हम तुम्हें बहुत लाभ पहुँचा सकते हैं। जैसे? जैसे जिस चीज़ को तुमने अपने कथनानुसार यहाँ से चुराने की कोशिश की थी, वह हम तुम्हें मुफ्त मुहैया करा सकते हैं। यहाँ जो नौजवान आते हैं, वे सब लखपतियों की औलाद होते हैं, जिस सेवा के लिए हम उनसे ढेरों रुपया चार्ज करते हैं, वह तुम्हें मुफ्त उपलब्ध होगी। यह मेहरबानी क्यों? सुनील ने फिर अपना सवाल दोहराया। आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से नहीं, एल्बर्ट उसे समझाता हुआ बोला। सुनील हैरान था। कहाँ तो वह सोच रहा था कि आज उसकी जान नहीं बचने वाली थी। वे लोग उसकी जुबान बंद करने के लिए उसका कत्ल किए बिना नहीं मानने वाले थे, और कहाँ वे लोग उसके साथ इतनी मोहब्बत से पेश आने लगे थे। यह कायापलट कैसे हुआ? क्या मैं यह उम्मीद रखूं कि जो कुछ आज यहाँ तुमने देखा सुना है, एल्बर्ट फिर बोला, उसके बारे में तुम अपनी जुबान बंद रखोगे? तुम ना इस संदर्भ में अपने अखबार में कुछ छापोगे और ना पुलिस में रिपोर्ट करने की कोशिश करोगे। सुनील चुप रहा। वैसे इतना समझने की अकल तो तुम में होगी ही कि अगर तुमने हमारी बात न मानी तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें प्रोटेक्शन हासिल है, पुलिस यहाँ कभी छापा नहीं मारेगी, और अगर मारेगी भी तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। इस क्लब का मालिक बहुत साधन संपन्न आदमी है, वह पुलिस को अपनी जेब में रखने की क्षमता रखता है। हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मेरी बात आई तुम्हारी समझ में? सुनील ने हामी भरी। शाबाश, समझदार आदमी हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। रंजीता गुप्ता की मौत से आप लोगों का कोई संबंध है? एकदम चुप्पी छा गई। एल्बर्ट और दिलावर की निगाहें मिली।
हमारा कोई संबंध नहीं। अंत में वह बोला, वह यहाँ आती थी, हेरोइन की तरंग का आनंद उठाती थी और बस। इसके अलावा हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते और फिर पिछले काफ़ी अरसे से तो वे यहाँ आई भी नहीं थी। इस बात की तस्दीक यहाँ का एक एक आदमी कर सकता है, चाहे जिससे पूछ लो। तो फिर उसे हेरोइन कहाँ से हासिल होती थी? वह इस नशे की आदी हो चुकी थी, वह इसके बिना नहीं रह सकती थी। कहीं से तो हेरोइन हासिल होती ही होगी उसे। हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। क्या राजनगर में क्रिस्टल क्लब जैसे मादक द्रव्यों का धंधा करने वाले और भी अड्डे हैं? हमें नहीं मालूम। सुनील चुप हो गया। तो मिस्टर सुनील, क्या हम उम्मीद करें कि इस मामले में तुम अपनी जुबान बंद रखोगे? सुनील खामोश रहा। नेवर माइंड, उत्तर फौरन देना ज़रूरी भी नहीं। हाँ या ना का फैसला घर जाकर कर लेना। सुनील उलझनपूर्ण ढंग से एल्बर्ट की ओर देखने लगा। वह आदमी उसकी समझ से बाहर था। दिलावर, एल्बर्ट बोला, इनके यहाँ से विदा होने से पहले साहब को अपना इतना जौहर जरूर दिखा दो कि घर जाकर कोई निर्णय लेने में इन्हें दिक्कत ना हो। ओके बॉस, दिलावर यूं बोला जैसे उसे वांछित आदेश मिल गया हो। उसके चेहरे पर रौनक आ गई। फिर वह सुनील की ओर घूमा। इससे पहले कि सुनील कुछ समझ पाता, दिलावर के दाएं हाथ का घूंसा रोड़ी कूटने वाले इंजन की भरपूर ठोकर की तरह सुनील के पेट से टकराया। सुनील चीख मारकर दोहरा हो गया। झुकते ही दिलावर के घुटने की ठोकर उसकी ठोड़ी पर पड़ी। सुनील को अपना निचला जबड़ा हिलता महसूस हुआ। वह पीड़ा से बिल बिलाने लगा। दिलावर के धुआंधार घूंसे तब तक उसके शरीर से टकराते रहे जब तक उसकी चेतना लुप्त न हो गई। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।